हो जाता है जाऊं किधर, हर बंदा तो कुरान हदीस की बोली सुना रहा है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं घर ही पढ़ लेंगे, हम किस कहीं भी नहीं जाना। तो कैसे पता चले कि हक कौन है, सच कहाँ है? हर बंदा खींच रहा है कुरान हदीस की बोली बोल रहा है। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी साइल ने पूछा, हजरत जब कसरत से फिरके हो जाएंगे तो हक कैसे पहचानेंगे? तो सुनो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या जवाब दिया। फरमाने लगे जो अहले सुन्ना है वही अहले हक होंगे। साहिल बड़ा सियाना था, उसने एक सवाल और किया, कहा हजरत अगर बहुत सारे लोग इसी टाइटल के साथ मौजूद हों तो असली सुन्नी की पहचान क्या है? तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो जवाब दिया आपके सीने में ठंड पड़ जाएगी। फरमाने लगे मिन अलामात अहले सुन्ना कसरत सलात अला रसूलिल्लाह। निशानी मैं बताता हूँ कसरत के साथ हुजूर पे दरूद पढ़ने वाले। तो दरूद शरीफ अकीदों को सेहत देता है, तबीयत में लताफत पैदा करता है, जुबान में रस पैदा कर देता है, लहजे में खंड पैदा कर देता है और हुजूर की कुर्बत का जरिया है और इंसान को और बहुत सारी सलाहियतों से दरूद मालामाल करता है। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि हमारी नस्लों के सीने में हुजूर का प्यार पैदा हो तो उन्हें कसरत के साथ हुजूर पे दरूद पढ़ने की तलकीन।